नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है सितंबर के महीने में। अभी दोस्तों इस अपडेट में क्या नया देखने को मिलता है दोस्तों, जिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों सैमसंग की जो A सीरीज है इसमें दोस्तों हमें काफ़ी जल्दी जल्दी अपडेट देखने को मिलते हैं A50 और दोस्तों A70 जो फ़ोन है ये दोस्तों सैमसंग के फ्लैगशिप में आते हैं। तो दोस्तों सैमसंग A50 में एक नया अपडेट आ चुका है, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 में एक नया अपडेट आ चुका है। अगर इसकी साइज़ की बात करूँ तो जी है दोस्तों 150 MB के आसपास का। दोस्तों आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों ये जो अपडेट है, इस अपडेट को करने के बाद आपके मोबाइल में दोस्तों जो हल्के फुल्के बग्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे और साथ ही दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पेच लेवल कर दिया जाएगा 1 अगस्त का, जो कि दोस्तों लेटेस्ट है। क्योंकि दोस्तों सैमसंग का जो S20 FE है उसमें भी दोस्तों आपको 1 अगस्त का सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को मिलता है और दोस्तों A50 में भी 1 अगस्त का कर दिया गया है। दोस्तों आप इससे ही पता लगा सकते हो कि आपको A50 में काफ़ी जल्दी जल्दी अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी थोड़े बहुत माइनर से जो बक्स होंगे वो दोस्तों फिक्स होने वाले हैं और साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और सिक्योरिटी पहले दोस्तों 1 अगस्त का कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।